सरकार चंगा वाला चौका लगा के दे रखे, फिर ही कादो ही कादो कर रखे, शोकड़ा के दो है। मैं करूं बात शिशपाल है, ओ शिशपाल है। हाँ के बात है बोल। बात अड़के है टाबरांग पोतरिया जिड़जिड़ा थारे गब आवे, फिर याद है बास ने कादे में लाड रखी है। नहीं तनब और कोई तो बानो लादियो को नहीं लड़ाई करने को, जनब तू कादे पर आ गयो। बानो को नहीं, लोग मने पीमटी गए कादो आतन तई साफ चाहिए मने, नहीं तन्ने साफ कर दूंगा मैं। हाँ हाँ कोई नहीं देख सिया जावे की नहीं मेरी बात सुन ले, देख सिया को नहीं मारे सो बटा उठ चटा हुआ है यार। बताऊ मैंने याद आयो मन लगे थे कदो ही खातरी करो भी आ लगे कोई रिश्ता ना आ जाए। ओ बे मनमु तार कड्डन वालो है बहुत जल्दी करे प्रगति पर ही चलन लाग रियो है। बटाऊ चटाऊ अरे बे रिश्ता वाला थारे गिरे पिछले 6 महीना 4 सब्जी वाला 3 कबाड़िया और 2 साबण बेचन वाला है, बानी ते खाली टपाए है और तू बाड़ा बटाऊ। बटाऊ आवे किनू अंता ही तू कदो स्वागत कर दिया पहला वांगो, मेरी बात सुन ले कान खोल गया कसी देख ले टोटा कर दियो ला डॉक्टर के समझा को नहीं आओ लो किला पासो जोड़न लागू। हाँ तू जा जा हाँ, साफ चाहिए मैंने साफ है। जय हो गुरु गोरखनाथ की जय हो, हे नाथा के नाथ भली करियो महाराज सारे संसार को। आज तो खोथाली की पावन धरती पर चरण रखे अठा का लोग तो बड़ा पिया बढ़िया ही है। ओहो हो गली में तो कादो ही बहुत कर रखे हुए नहीं चला आज चौधरी के नहीं अठों शुरुआत कर दिया। जय हो गुरु गोरखनाथ, जय हो और राम राम चौधरी, किन्ना कष्ट में पड़ रहे हो ले चौधरी मैं उतार दूँ। हाँ यार इतनी ऊंची टांगे कराई क्या मी जब तना भेरु आपना उतरे तो कोई नहीं। लियोनाथ जी एक कष्ट और करो नहीं ओ माचो बिना कराओ छी आओ। ले चौधरी यार के बात कही है माचो तो तेरो अब करूँ आदे आपा छिया मैं बिना चलो पकड़ो फिर। हाँ अब ठीक है। जय हो चौधरी मेरे कहना सारी बीमारियों को इलाज है, तू केवे तो कोई थोड़ी बहुत दवाई पानी दे दे तेरा ही कष्ट मेट देवा। नाथ जी थे को कि सारी बीमारियों को इलाज है मेरे कहना तो आज मेरी एक बीमारी मेट दियो फिर। चौधरी हुक्म तो कर मेरे कन्ने सफेद मूसली काली मूसली पीली मूसली धोली मूसली को पाउडर बनाए लो पड़े हुए एक एक चम्मच सुबह शाम दूध सागा ले वो तो तेरों का जितो जल्दी बद जाओ जितो जल्दी 5G नेट चल है। मेरी दवाई कद तो तेरो 6 फुट को हो जाएगो पर तेरा घरे जानता ही तेरी जान ने व्याधि हो जाएगी। कमाल करो नाथ जी 6 फुट को जवान गबरू हो बाद में मेरे व्याधि रह जाएगी बाकी व्याधि रह जाएगी। तेरी घरवाली कहेगी मेरो आदमी तो 4 फुट को हो ओ केठा कुण 6 फुट को आ गयो ओ मने लागे मेरा आदमी ने मार के कि नहीं घेरी आयो लागे जे बड़ तेरे पर केस कर दियो तो तू तो 302 में सारी उम्र बार कौन निकलनो। केस का नाम हूँ तो मने बहुत डर लागे मैं मेरा यही केस कौन बदलन दियो नाथ जी। थे काम करो थे मेरा घरवाली को कद बता दियो। जे तेरी घरवाली को कद 6 फुट को हो गयो तो फिर तो तेरी जान ने भी यहीं आफत आ जानी है। घरवाली को कद मोटो हो या मेरे जान ने आफत किया हो जैसी आ किया नाथ जी। ये तेरी घरवाली को कद 6 फुट को हो गयो हाँ तो वाह कहेगी ओ 4 फुटी हो तो मेरे सागे यहाँ लागे जी 2 लीटर वाली पेप्सी क्या कहना चुस्की पड़ी हो है। अब मैं तो कोई बराबर को छोरो दे के दूसरों ब्याह में डासी हूँ यार जे बात ना छोड़ के चल गई फिर तेरा ब्याह दी होगी के कौन ही होगी। हाँ आप बात तो थारी सियाणी है चाहे कद मेरो बदे चाहे मेरे घरवाली को बदे आफत तो मेरी जान ना आनी है। कर दियो नी कादो साफ आधा घंटा में कुण बैठे है। ओ बब्बू इंगन के लिए आन दे आज मेरी माने तो तू है कद कुद वाला चक्करा ना छोड़ कोई और चीज की दवाई लेनी है तो बता। तो थे काम करो नाथ जी मार दोना को 6-6 फुट कद कर दियो फिर तो कोई व्याधि कौन रेली। जे थारो दोना को कद 6-6 फुट को कर दियो
फिर तो थे कहोगा कि नाथ जी मारा तो भगवान ही थे हो, फिर थे सारी उम्र मेरा ही गुणगान करोगा। अर वो सृष्टि रचन वालों परमात्मा है बिना भूल जाओगा, अर बिना भूल गया तो बिंगो तो मैं फिर पाप को भागी बनूंगा। ये भगवान थाने दोनों ने कद छोटो दियो है तो इमें तो बिंगी कोई मर्जी होनी है, बिंगी लीला ने वो ही जाना है। इंसान ने कदे भी विधि को विधान बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जे कोई और चीज़ की दवाई ले वे, कोई सुरमो सरमो ले वे तो चौधरी ले ले। चलो छोड़ो नाथ जी, किसी दवाई है भगवान जी माने बनाए है कि इनकी बढ़िया सोच की बनाए है, इमें मैं तो राजी हाँ। थे तो बस एक काम करो, माने इसे आशीर्वाद दो ताकि मैं दोनों पूरी उम्र है जिका एकदम तंदुरुस्त रहा। ठीक है चौधरी, राम राम मानी। राम राम। और गुरु गोरखनाथ थाना तंदुरुस्ती बख्शे। जरूर जरूर। और भगवान थारा पर कृपा राखा, सदा हंसता खेलता रहो। लो नाथ जी, थे बहुत बढ़िया बात बताई है, मैं तो आज तक नाथ जी ने लूटता ही देखे है। थे पहला हो जी का ज्ञान की बात बता के गया हो, ओ एक सेब तो खाई लिया। बस परमात्मा की मर्जी है। ठीक है जी, धन्यवाद, बढ़िया बात बता रही। नाथ जी वो गेट और बंद कर दिया। ठीक है जी, कर देवांगा साहब। आप ही केड़ो खा लिया। बाबा जी राम राम। राम राम चेला, राम राम। बाबा जी भूखन के लियो थे, आज कोई चाह पानी पाऊं। चाल चेला, आपने खातर तो सारो जग एक सो ही है, तेरे कने चाह पानी पी लेंगा। जग को नहीं लोटो है आपने गिरे भी मैं पास। आजो आजो, भूख तो लगी मने और किरे होती है। के का बाबा जी? के कोनी, मैं के मौसम बड़ो सुहावनो है चेला। मौसम बारिश आ सी मन लागे यार, कोई चार फो है बे बेसी नरमो खिड़ रहे खेत में। बैठो पानी पुनी पाओ। जय हो, जय हो गोरखनाथ की। हाँ चेला बताओ फिर, के समस्या है थारी? नाथा को तो काम ही इलाज करनो है। ना जी समस्या तो कई है, पर सारी समस्या बोल थारू होनो को नहीं। आ चेला की बता तो सरी, नाथा का तो काम ही संकट काटना है। समस्या तो घर सुनो सुनो हो रही है, ताबरा किलकारी कौन मिल जाए। चेला मैं तना एक ईसो मंत्र बता के जाऊंगा, तेरा एक दो टाबर को नहीं पूरा 10-12 होएगा। तू चाहे तो क्रिकेट टीम तेरा घर की बना ले। 10-12 बालन ने गे इतना के ग्रानो है? अटक तो आप वाला ही फोड़ा पड़ रही है, 4-5 ही ठीक है। आटा वाली टेंशन तू क्या मिले रखी है? मोदी वाली कणक सारा की 10-10 किलो आवे। एकली कणक को के बाबा जी, खर्चा और ही बहुत हुआ करांगा। वो भी इंतजाम हो जाएगा चेला, सारा ने भेड़ा करके आंगनबाड़ी में ले जाया करी। इतना इतना टाबर घटा आंगनबाड़ी में ले चा घर की कर लिया फिर। तू तो चेला बात ना और घटा ही ले गयो, मेरी बात ध्यान सुन, तना एक काम करना पड़ेगा। के बाबा जी? अब काला तेरी लुगाई ना पीरू ले गया वे नहीं, तो तू गामगी कंकड़ पर एक नारियल फोड़ दे। पीर वो घटा है? थे मेरी बात कौन समझने लाग रहा, मेरे वजह ब्याह ही कौन उड़ो। अब नलायक यहाँ ही सादा ना झूठा गाल तो फिर है। झूठा नहीं के बात है बाबा जी, कौन उड़ो तो कौन उड़ो, इतो सो को थे करा दो, मैं तो आथन ने करा लूँ। मैं कठू करा दूँ? आजकल लोग छोरियाँ ने तो जामनू पहला ही मार देवे, बाद में तेरे वर्गा नाथा को टोटका कराता फिर है। जब छोरियाँ ही ना होगी तो फिर ब्याह कठू होगा थारा। आ बात तो थार ली बाबा जी सही है, जितना दिन आप भ्रूण हत्या ना रुकेगी नहीं, इतना दिन छोरा है मारत रही यहीं डोलेगा। हाँ जे तू ई बात को प्रण कर ले वे कि तेरा छोरी होवे एक चाहे होवे चार, तू जिंदगी में कदे भी कन्या भ्रूण हत्या को नहीं करवावे। वो मैं भगवान की कसम खा के हाथ जोड़ के कहूँ थाने, ना कभी भ्रूण हत्या करूँगा, ना मेरा बस चालते कोई करेगा तो सहूँगा। जे आ बात है चेला तो जा, तन्ने मेरो आशीर्वाद है, गुरु गोरखनाथ की कृपा हूँ, तेरो 6 महीने का मामा ब्याह हो जाएगा। धन्य कर दिया महाराज जी, न्याली कर दिया। अब एक बात को प्रण थे भी ले लियो, ना भ्रूण हत्या करनी है और ना करण देनी है। ई बात को मैं प्रण लियो, ना मैं भ्रूण हत्या करूँ ना मैं किन्हें करण दूँ, क्योंकि जे छोरियाँ ने नहीं चाहवांगा तो फिर बहू कठौ लेवांगा। राम राम, धन्यवाद। राम राम दोस्तों, तो आई अपनी एक नई वीडियो, तो वीडियो थाने बढ़िया लगी होगी। इनमें दो संदेश अपन मिले, पहलो तो ओ भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरो हर बाबो पखंडी कोनी हुआ अपनी सोच ने बदलो।
तो आशा करूँ वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए, बेस्ट डायलॉग कमेंट में बता दियो। इसी अपनी बढ़िया बढ़िया वीडियो आगे और आती रहेगी। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लियो। राम राम, धन्यवाद। यहीं प्यार प्रेम बनाए रखियो।